वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, हम इसे आग पकड़ने के पहले इसे गर्म करते हैं। वी जनरली डू इट विथ ए लाइटेड मैच, हम सामान्य रूप से इसे जलती हुई माचिस की तीली से करते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न, प्रत्येक ईंधन का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तापमान होता है जिस पर यह जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट आर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ इट्स फ्यूल, और यह तापमान फ्लैश पॉइंट उष्ण बिंदु या किंडलिंग टेम्परेचर या आग पकड़ाने वाला टेम्परेचर ऑफ फ्यूल मतलब ईंधन का कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स सेट, कभी कभी ऐसा कहा जाता है दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट, फायर एक अच्छा सर्वेंट है बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बैड मास्टर है, बुरा मालिक है। इट इज़ ओनली मीन्स, यह मतलब केवल यह है दैट कि फायर इज ओनली यूजफुल, फायर तभी लाभदायक है एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक यह कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका प्रयोग भोजन पकाने में, वार्म आवर होम्स इन विंटर, और जाड़ा में अपने घर को गर्म करने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ इट ऑफ कंट्रोल इट, अगर फायर अनियंत्रित हो जाती है, कैन बी वेरी डेंजरस, तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाई फायर, प्रत्येक वर्ष हजारों घर और दुकानें आग द्वारा नुकसान हो जाता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, विशाल क्षेत्र, जो जंगलों का विशाल क्षेत्र है, वह भी नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड आर इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जिस प्रकार से तीन वस्तुएं आग लगाने के लिए जरूरी हैं, ठीक उसी प्रकार से देयर आर थ्री मेन्स वे इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, ठीक उसी प्रकार से तीन वस्तुएं फायर को बुझा भी सकती हैं। इन ईच वन ऑफ थ्री थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इज टेकिंग अवे, इनमें से तीनों में से किसी एक को आग बुझाने के लिए ज़रूरत पड़े, नीच प्रत्येक वन ऑफ थ्री थिंग्स इन तीनों में से नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकिंग अवे, जलती हुई वस्तु को बुझा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को हटा सकते हैं। इफ़ फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि फायर को ईंधन नहीं मिलेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग जलना अपने आप बंद हो जाएगा। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम प्रायः साधारण रूप से आग में ईंधन न डाल करके आग को बुझा सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा तरीका आग बुझाने का है, फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रीचिंग इट, ऑक्सीजन को वहाँ पहुँचने से रोका जाए, अर्थात जलती हुई वस्तु पर यदि हवा नहीं लगेगी तो अपने आप धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ऑक्सीजन की सप्लाई न होने का मतलब आग वहाँ नहीं लगेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट आर स्मूदर्ड विथ ए डैम ब्लैंकेट आर ए सैक, छोटी छोटी आगें, छोटी छोटी आगों को बुझाई जा सकती हैं या शांत की जा सकती हैं डैम ब्लैंकेट, एक मोटे कंबल से या बोरे से। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और यह ऑक्सीजन को जलते हुए सामान तक पहुंचने से रोकता है। समटाइम्स, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, यह ऑक्सीजन को जलते हुए सामान तक नहीं पहुंचने देता है। द थर्ड वे अ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट,
तीसरा तरीका आग बुझाने का है कि इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, ये टेम्परेचर तापमान को फ्लैश पॉइंट से उस बिंदु से नीचे लाया जाए, द फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग, तो ईंधन जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक्स आर कैंडल टू पुट इट आउट, आप एक जलती हुई मैच स्टिक या मोमबत्ती को इस पर हवा करते हैं तो क्या होता है, बुझ जाता है। इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, तो ऐसा करने से आप वहाँ की गर्म हवा को, फ्लेम के चारों ओर, मसाल के चारों ओर गर्म हवा को हटा देते हैं और उसका जो फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर है उसे डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, एंड द कैंडल गो आउट, और कैंडल क्या होती है, गोज आउट मतलब बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, कभी कभी पानी आग पर डाली जाती है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, यह जलती हुई वस्तु को सोख लेती है, एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और तापमान लो कर देती है, कम कर देती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ब्लैंकेट ऑफ वाटर मतलब भीगा हुआ कंबल भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, बंद कर देता है, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर क्या होती है, बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कुछ ऐसी आग हैं जो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, या यदि तेल से लगी हुई आग पर पानी छिड़का जाता है, the oil will float on the top of the water, तो oil पानी के ऊपर तैरने लगता है, and continue to burn, और जलना जारी रहता है। This can be very dangerous, यह और भी खतरनाक हो सकता है, because water can flow quickly, क्योंकि पानी तेज से बहता है, carrying the burning oil with it, अपने साथ जलती हुई तेल को लेकर के, and spreading the fire, और आग को फैलाता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज फायर्स कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पानी विद्युत उपकरण पर लगे हुए आग पर भी नहीं फेंकना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड किल, पानी फेंकने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका लग सकता है और मर भी सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, एक कार्बन डाइऑक्साइड वह इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने का सबसे आसान तरीका है। लॉन्ग एगो देयर वेयर नो फायरमैन, बहुत पहले फायरमैन नहीं हुआ करते थे। वेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, प्रत्येक लोग फायर फाइटर हो जाते थे, आग बुझाने वाले हो जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, पीपल लोग ह्यूमन चेन मानवीय श्रृंखला में बंध जाते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, और आज भी ये करते हैं अगर जरूरत पड़ती है। एंड पास्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल आर ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और अपने साथ बाल्टी कुएं या तालाब से लेकर आग बुझाने के लिए, जलती हुई ब्लेज मतलब जलती हुई आग को बुझाने के लिए पहुंच जाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, अब
बिल्डिंग बनाने के लिए, घर इमारत बनाने के लिए नियम आ गए हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं दैट बिल्डिंग के बीच में, घरों के बीच में छोड़े गए जगह आग को कम करने, खतरे को कम करने के लिए है या नहीं है। अर्थात दो घर के बीच में कम से कम इतनी गैपिंग होनी चाहिए जिससे अगर किसी घर में आग लगे तो दूसरे का नुकसान न हो। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, प्रत्येक नई बिल्डिंग विशेष तौर पे एक पब्लिक प्लेस जो है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नाम, निश्चित तौर पर उसे फायर के, आग के रोकने के नियमों का पालन करना होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड, जो बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग आग से लड़ने वाले कर्मचारियों का जो समूह होता है, जो अपने साथ एक स्पेशल इक्विपमेंट, एक विशेष प्रकार के उपकरणों को लेकर चलते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, आर देयर टू पुट आउट फायर्स, जो आग को बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, फायर फाइटर्स बड़ी उच्च श्रेणी से प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पासिस मेनी स्किल, उनके पास बहुत सारी बुद्धि क्षमताएं होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट सकते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और बड़ी खतरनाक दीवारों को भी गिरा सकते हैं। स्प्रे वाटर, पानी फेंक सकते हैं। एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और अन्य मटेरियल को जिससे आग को कंट्रोल किया जा सके। दे आर आल्सो ट्रेंड इन द फर्स्ट एड सो दैट, वे फर्स्ट एड में भी ट्रेंड रहते हैं जिससे दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, जिससे भी जले हुए या धुएं से पीड़ित व्यक्ति की हेल्प कर सकें। The discovery of fire and its usage helped the early man to cope up nature better and gradually adopt a settled mode of life. आग की खोज और इसके उपयोग ने प्राचीन काल के व्यक्तियों को नेचर के साथ सहयोग करने के लिए सहयोग किया एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे अडॉप्ट सेटल्ड मोड ऑफ फायर और लाइफ, और धीरे धीरे वो अपने जीवन के मोड को, जीवन के क्रियाकलापों को सेटल कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर आज भी विदेश के बहुत से भागों में पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, फायर वास्तव में एक मित्र है। बट एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस, यदि खतरनाक हो सकती है, खतरनाक दुश्मन हो सकता है। वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, देन प्लीज़ रिवाइज इट एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। थैंक यू।